हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, और उस टॉपिक में हम सभी लोग ये सोचेंगे समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला आया था वो कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि ये कि चीज़ें किस हिसाब से फिर से होंगी, है ना। तो एक वायर में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने का मतलब है कि उसमें चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लो होने से, जैसा कि हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, कि उसमें एक फोर्स लगता है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और समझिए, ठीक है ना। उसमें चार्ज फ्लो होगा, चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड को काउंट और फाइंड किया सबसे पहले बायो सेवर्स ने, ठीक है ना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बायो सेवर्स लॉ, उसके बाद में उसके एप्लीकेशन, उसके बाद में जो हमारा परमेबिलिटी दिया हुआ है उसकी वैल्यू पढ़ेंगे, उसका मान क्या होगा, क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, डायमेंशन क्या होगी, ये सब पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो हम लोग छोटे से एग्जाम्पल के साथ में अपना लेक्चर शुरू करते हैं और साथ चलते हैं, है ना। तो स्टार्ट रहेगा हमारा ये कि हमने मान लिया एक वायर है, ये इस वायर में एक करंट फ्लो हो रही है आई, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है आई। करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा अगर आप समझना चाह रहे हैं। तो करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करी है, यहाँ से इधर से लगा दिया है बैटरी, और इसमें प्लस वाला चार्ज इधर है, प्लस से इधर जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और ये भी आपको याद रखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इधर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, और चार्ज का फ्लो किधर से किधर की ओर होता है, तो माइनस से प्लस की ओर चार्ज का फ्लो होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है या कोई भी पूछ सकता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक करंट आई फ्लो हो रही है, एक हमारे पास वायर दिया है, कंडक्टिंग वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। ओके, करंट फ्लो हो रही, ठीक है। अब करंट फ्लो होने के साथ में इसके आसपास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या एक्शन हो सकता है, ये समझना है। तो हमने मान लिया एक करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, और हमने अपना एक मैग्नेटिक निडल यहाँ पे ला के रख दिया, सब जगह पर चेक करके देखा, हमने यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, हर जगह पर रख के चेक किया। तो हमने ये देखा कि हर जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इसके सामने, सब जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ अलग अलग थी। जैसे जब हमने इसके सामने यहाँ पर रखा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 10, मान लीजिए 10 थी, यहाँ पर गए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इसके सामने आने पे 0 हो रही थी, यहाँ पर 10 थी, ऐसे करके फिर यहाँ पर है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, यहाँ पर है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर मिडिल में। तो इससे हम लोगों ने ये एक कैलकुलेशन निकाला कि हो सकता है इसके सामने मैक्सिमम वैल्यू आती हो, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि इस वाले पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, हमने भी ये सोचा है सर, ठीक है ना। तो हमने इसमें करंट फ्लो करी, फ्लो करने के बाद में हमने देखा कि इस छोटे से भाग के लिए, इस छोटे से भाग के लिए, इसे कहेंगे हम लोग DL, इस छोटे से भाग का नाम रखेंगे हम लोग DL, इस छोटे से भाग का नाम रखेंगे DL, और इस DL में जो करंट फ्लो होगी उस वाली करंट को हम कहेंगे करंट एलिमेंट, ठीक है। इसका हम लोग नाम रखेंगे करंट एलिमेंट, एलिमेंट, ठीक है ना, जो क्या होगा IDL होगा, ये आपको याद रखना है। इस करंट एलिमेंट के वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालनी है और हमें ये बताना है। तो हमने मान लिया इस वाले पॉइंट से, इधर बनाता हूँ मैं, यहाँ पर ये एक डिस्टेंस दे दी गई, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है हमारी आर, ठीक है ना। इस आर डिस्टेंस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा डीएल हमारा दिया हुआ है, आईडीएल, इसको यहाँ पे समझ लीजिए, ये डीएल दिया हुआ है, ये हमने पॉइंट लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एंगल बनाना है 90 डिग्री, ठीक है, इधर बनाएंगे, फिर इसके सामने यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये हो गया हमारा एंगल θ1 θ2, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये एंगल 0 हो जाएगा, और ऐसा टाइम आएगा तो एंगल 90 हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पर अभी रिलेशन निकलेगा। तो हमने मान लिया इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। हमने ये भी चेक किया कि दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है,
किस रेशियो में कम हो रही है, तो 1/4 के रेशियो में कम हो रही है, मतलब 1/r² के फॉर्म में कम हो रही है। तो ये हमारा बचेगा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r². सबसे पहला रूल यही बनाएंगे हम लोग, है ना। जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल क्यू बाई 4π ε0 r², ये आपने पढ़ा था, क्यू बाय 4π ε0 r². देखिए यहाँ पर r के फॉर्म में e कम हो रहा है, ठीक है ना, r स्क्वायर के फॉर्म में। जब दूर जाएंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं या आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जितनी दूर होता जाएगा, मैम जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर दूर पे गया, मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम बिहेव करते हैं, मतलब कम हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई बी प्रोपोर्शनल टू 1/r². अच्छा, हमने देखा अगर हम करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो बी बढ़ जा रहा है, ठीक है। हमने अगर करंट की वैल्यू 1 रखी तो मैग्नेटिक फील्ड 1 थी, 2 कर दिया तो डबल हो गया, 3 कर दिया ट्रिपल हो गया। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि आई मतलब इसको बढ़ाने पर ये बढ़ जाती है, ठीक है ना। हमने ये भी देखा कि अगर हम डीएल की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, हमने डीएल यहाँ पर क्यों लिया, तो हम छोटे से एक्सपेरिमेंट है, मतलब बड़े वायर को कंडक्ट करने की वजह से यहाँ पर एंगल का खेला हो जाएगा, है ना। तो उस खेले को चेंज करने के लिए, खेले को चेंज करने के लिए हम लोग छोटी सी डीएल लेते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं ना, कैलकुलस में छोटा सा पार्ट ले करके उसका इंटीग्रेशन करते करके करके फुल लेंथ निकालते, तो वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो भी क्या होगा, बी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा डीएल, ठीक है। ये तीन चीज़ें हो गई, अब एक और बचा है, एंगल बचा है अभी, ठीक है ना। आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है, तो बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अच्छा, हमने साइन थीटा ही क्यों लिया, यहाँ पर कॉस क्यों नहीं लिया गया, तो ये भी क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है। तो आपको ये भी समझना है कि अगर हम कॉस लेते तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर हम लोग कॉस लेते तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो आ नहीं रहा था, यहाँ पर कितना आ रहा था, 10 आ रहा था, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7 5 4 3 2 1 0, ऐसे कुछ वैल्यू आ रही थी ना। तो यहाँ पर जीरो हो रहा था, यहाँ पर 10 हो रहा था, इसका मतलब अगर हम साइन 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, इसलिए हमने लिया थीटा मैक्सिमम। अब इन सभी को हम लोग मर्ज कर देंगे। अब ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो हमने बी लिया हुआ है, इसकी खोज किसने करी थी, है ना। तो सबसे पहले इसकी खोज टेस्ला जी ने करी थी, तो इसलिए इसका यूनिट जो बनाएंगे हम बनाएंगे टेस्ला। आपको ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अब हम इन सबको मिला देंगे, मिलाने पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा बी इज इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर हम कांस्टेंट सेट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर कांस्टेंट 1/4π ε0 सेट किया था, वैसे ही यहाँ पर हम सेट करेंगे μ0/4π, ठीक है। अब μ0/4π, हमने 4π क्यों लिया, क्योंकि पूरा सरफेस जिस इस वायर के चारों तरफ का एरिया, ठीक है, 720 का, तो 4 इतना हो गया IdL sin θ/r², ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला जो बायोसेवर्स ने बताया। अब ये जो हमने निकाला है, ये हमने छोटी सी लंबाई के लिए निकाला है, डीएल के लिए निकाला है ना, डीएल के लिए, डी बी डी साइन थीटा। ये अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें पूरे का एल तक, तो ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, μ0/4π IL sin θ/r², ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। और यहाँ से ये बन के आ जाएगा बी। तो बेसिक फार्मूला ये है। अब हमारे पास एक चैलेंज ये है कि ये वैल्यू क्या है और इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो इस वाली वैल्यू को हम लोग देखते हैं, समझते हैं क्या होती है। ये होती है परमिटिविटी। तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी परमेबिलिटी, ये आपको याद रखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4π = 10⁻⁷। अब यूनिट निकालना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है यूनिट निकालना। तो अगर हम इसको यहाँ पर बराबर कर दें, इक्वल कर दें, तो देखिए ये वाला आर इधर जाएगा, तो टेस्ला, टेस्ला पहले हो गया टेस्ला, फिर ये हो गया आर, यहाँ पर दूरी होती है, दूरी का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा m², मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मीटर, तो हो जाएगा मीटर, ठीक है। टेस्ला मीटर निकल जाएगा, अपॉन में कितना आएगा एम्पियर, करंट की डायमेंशन क्या होती है एम्पियर। तो ये हमारा हो गया इसका यूनिट और ये हो गया इसकी वैल्यू। पहली बात तो ये आपको याद रखना है, 4π,
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें और क्या चीज़ है, अब एक और बेसिक सा एग्जाम्पल इसमें बहुत ही फेमस है, वो आता है कि अगर इसकी वैल्यू इतनी है और 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 10^9 है इंटू 9, ये होता है तो एप्सलॉन और म्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, हमें एक वैल्यू निकालनी। तो हमने क्या किया, हमने इसका भाग कर दिया। तो हमने अगर इसका भाग किया तो भाग करने पर क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या क्या कट जाएगा, सोचिए, म्यू नॉट बाई 4 pi, ठीक है। अब अपॉन में जाएगा 1/4 pi epsilon naught, देखिए 1/ में ये भी है, 1/ में तो कितना बचेगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इतना बचेगा, ठीक है। 1/ में ये दिया हुआ है, इसको ऐसे याद रखिए, कैसे बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर a/b दिया हुआ है अपॉन c/d दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा a/b इंटू d/c, ठीक है ना, ये आप याद रखिए, ये ऐसा हो जाएगा। इसके बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना है, 10^-7/10^9। अगर हम इसको नीचे लेके आए तो 1/10^16 हो जाएगा, बताइए हो जाएगा ना, इसको अगर नीचे लेके आएंगे 10^16 हो जाएगा। अब 10^16, यहाँ पर 9 भी है, ये तो मैं भूल ही गया था। अगर ये इतनी वैल्यू है, अगर ये इतनी वैल्यू है तो यहाँ पर अब इसका मान कितना हो जाएगा, 1/3 10^8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ये पता है ये किसकी वैल्यू होती है, सी स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो 1/c² इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो c इज इक्वल कितना हो जाएगा, c इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/μ0ε0। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वाली वैल्यू को बढ़ा के कर देते हैं, म्यू म्यू आर कर देंगे, एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर कर देंगे, रिलेटिव परमिटेबिलिटी और परमिटिविटी का रिलेशन करके ये कर देंगे। तो आपको ये वाला फार्मूला भी याद रखना है, ये वाला फार्मूला भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करना है, इसके आगे ये हमारा हो गया बेसिक सा बायो सेवर्स लॉ, मैंने ये तो लिखा ही नहीं, ठीक है ना, ये आपका बायो सेवर्स लॉ हो गया। इस बायो सेवर्स लॉ में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में हम करंट को फ्लो करते हैं, ठीक है, तो करंट की वजह से इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसकी वैल्यू लंबवत तार के लंबवत परपेंडिकुलर मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बी प्रपोजनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जो है करंट के डायरेक्टली प्रपोजनेट, लंबाई के लेंथ के डायरेक्टली प्रपोजनेट होगी, और जो लेंथ होगी, ठीक है, जिस पॉइंट पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रपोजनेट होगी, और थीटा के भी डायरेक्टली प्रपोजनेट होगी, ये आपको याद रखना है। अब इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, एक और इसमें आपको याद रखना है, राइट हैंड थंब अप पाम रूल, ठीक है ना। तो ये आप देखिए, यहाँ पर अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, कहाँ से इंटर करेगी, कहाँ से एक्सिट करेगी, ये आपको बताना है। तो मैं इसका बताता हूँ, है ना, दो ही एक चीज़ इसमें बची है, ये वाला समझ लीजिए, तो ये वाला आपके लिए बढ़िया इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन तो बनेगा पक्का पक्का न्यूमेरिकल्स का, ठीक है ना, न्यूमेरिकल तो यहाँ से बनना ही है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स तो आते ही हैं, अच्छे खासे आते हैं, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि उनके बिना तो काम नहीं चलना है, न्यूमेरिकल्स के बिना। और बाकी आपको कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कोई स्पेशल लेक्चर पढ़ना है तो उसके लिए भी आपका कमेंट ध्यान में रखा जाएगा, और उसको जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं जो हमारा राइट हैंड रूल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट को अगर हम ऐसे फ्लो करें, आई को सपोज करिए, अगर हम करंट को फ्लो कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो हमने माना कि इसमें करंट फ्लो हो रही है आई,
ठीक है, ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो हम अपने अंगूठे को इसके ऊपर अंगूठे को सेट करेंगे, अंगूठा हमारा करंट दिखाएगा और जिधर ये हमारी फिंगर्स मूव होंगी उधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने इसको इधर रखा तो ये अंदर की तरफ मूव होगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ का पता है आपको निशान कैसा लगा रहता है, और ये बाहर की तरफ होंगी एरो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या हो जाएगा डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्रॉस, मतलब अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है किसी भी फिगर में, तो उसका जो तल होगा राइट साइड में जो सरफेस होगी उसके अंदर की तरफ होगा, और लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ होगा। यहाँ पर जस्ट अपोजिट करेंगे तो ये वाला भी अपोजिट हो जाएगा, ऐसे करके आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। कैसे सेट करना है फिर भी समझ लीजिए, यहाँ पर करंट ऊपर जा रही है तो यहाँ मैग्नेटिक अंदर होगी, यहाँ से बाहर होगी, यहाँ पर नीचे की ओर है। ठीक है, सेट करने के लिए भी तरीके याद रखने हैं आपको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए करंट नीचे की तरफ है तो करंट नीचे की तरफ कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए करंट नीचे की तरफ जा रही है तो फिंगर हमारे इधर बाहर हुई, तो यहाँ से देखिए बाहर आ रही है, और इधर जाएगा तो ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे करके, है ना, ओके। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके बेसिक है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ कल के लिए। हम लोगों ने पढ़ा था एफ इज इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, कल हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम यहाँ से एक यूनिट बनाते बी का, तो वो यूनिट भी देख लीजिए, अभी मैं इसकी डायमेंशन बताता हूँ। तो यूनिट हो जाती है यहाँ से बी की न्यूटन, इसकी होती है न्यूटन पर, इसकी होती है एम्पियर, एम्पियर क्यू इज इक्वल आई टी होता है, ये भी आप याद रखिए, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, और इसकी होती है मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी, बी की कितनी आ जाएगी, हो जाएगी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये आपका इतना हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है, सॉरी यूनिट है इसकी, मैं डायमेंशन बताता हूँ। तो डायमेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एफ की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, एफ की होती है एम एल टी माइनस टू। अब यहाँ पर आप सीधे रखते जाइए, यहाँ पर हो जाएगा ए टी, यहाँ पे हो जाएगा एल टी माइनस वन। देखिए जैसी चीज़ें हैं ये से कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, यहाँ से एक एल है ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा एम टी माइनस टू, टी तो है नहीं, और ये जाएगा ए माइनस वन इज इक्वल बी। ये आपकी डायमेंशन हो गई, ये आपको याद रखना है, एम एल टी माइनस टू, ए यहाँ पर दिया है, टी से कैंसिल हो गया था, बी की डायमेंशन ये हो गई। अगर हम बायो सेवर्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला था वो था बी इज इक्वल म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें म्यू का मान निकालना है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हमने पहले से कर रखी है, तो हो जाएगा एम एल, एल तो है नहीं इसमें, है ना, तो टी माइनस टू ए माइनस वन इज इक्वल म्यू हो जाएगा, आई का ए हो जाएगा, आई का ए हो जाएगा, इसका एल हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट साफ कर देता हूँ इसको, तब बाकी चलता हूँ, है ना, ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, अब ठीक है ना, अब इसको साफ कर देता हूँ जिससे थोड़ा सही हो जाए, है ना। म्यू नॉट हो गया, आई का हो गया ए, फिर इसका हो गया एल, फिर अपॉन में जाएगा एल टू, इस टू से कट जाएगा, एक बचेगा। तो देखिए ये वाला यहाँ पर ये इसके नीचे जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा टू हो जाएगा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा एम एल, यहाँ पर ये वाला एल यहाँ क्रॉस होगा, टी माइनस टू एज इट रहेगा, और ये वाला यहाँ पर आएगा ए माइनस टू इज इक्वल म्यू नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ओके। बिना टेंशन लिए आप समझिए इस बात को, आपको ये भी याद रखना है। तो आपको इसके साथ में एक और डायमेंशन याद रखनी है एप्सिलॉन नॉट की, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको ये डायमेंशन ऐसे ही याद हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूफ किया है, वन बाई सी स्क्वायर इज इक्वल म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हमें किसी इन दो में से किसी एक की वैल्यू याद है तो हम दूसरी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए देखिए कैसे निकाल सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए किस हिसाब से निकाल सकते हैं, फटाफट देखिए इसको, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया है, जिससे आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कितनी आसान होती हैं। हम लोग समझते हैं कि चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं, पर आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फटाफट चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ओके। अच्छा, इसको देखिए, तो समझिए हमें मिल गया है एम एल टी माइनस टू,
हमें मिल गया है एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, हमें ये मिल गया है। ये किसका है? ये हमारे पास परमेबिलिटी का है। हमें निकालना है एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या होता है वन बाई एल टू टी। अब सी क्या होता है? वेग होता है, तो एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन इसको सारा, तो एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, तो एल स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको इधर क्रॉस करिए, देखिए L और T में चेंज करना है, बाकी उठा के सीधे ऊपर लेके चले जाइए। तो देखिए M हमारे पास यहाँ नहीं है, A हमारे पास नहीं है, तो ये हो जाएगा M इनवर्स, ठीक है। A कितना? A हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए L यहाँ पर है, L यहाँ पर, तो ये क्यूब हो जाएगा, तो L माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर टी माइनस 2 है, यहाँ पर टी माइनस 2, यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस 4। आपको ये डायमेंशन भी याद रखनी है और इसकी वैल्यू भी याद रखनी है, 8.85 10 टू पावर कितना माइनस 12। अब अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा के इसकी यूनिट निकालना चाहें तो हो जाएगा केजी, केजी मीटर क्यूब सेकेंड 4 एम्पियर स्क्वायर। या फिर इसकी जगह पर हमारा एक फॉर्मूला जो हमने अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट इस फॉर्मूले का, मतलब जिसे बल दिया होगा, जिसे फोर्स दिया होगा, उसकी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इसको इधर लेके जाइए और इसको नीचे लेके आइए, तो हो जाएगा कितना, कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका एक बेसिक डायमेंशन है और ये इतना ही रहेगा। तो फिर अब आपको पता है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपके हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।